के नाम से अलीगढ़ जानता है मुझे। मैं अहमदनगर के रहता हूँ, गोल मार्केट पर। आज लगभग 12:30 बजे ही लगता है, मैं घर से निकल रहा था। मेरे ही मोहल्ले का आरिफ पिप्पा नाम का लड़का बहुत तेज फोर व्हीलर चलाता हुआ आया। मैंने उसे कहा कि मोहल्ले में कोई तेज नहीं चलाता है, ये बच्चा फंस गया और एक बार पहले नीचे आ जाता है। उससे गाड़ी आ गई थी और मुझे गाली देता हुआ जान से मार दी। दिनेश से मेरे को उसका फायर किया, मेरे तो बच गया, फिर उसने दूसरा फायर किया। जो गोली जो मारी थी तो वो घर पे आकर मारी थी आपके? घर पे आके, मेरे दरवाजे पे। घर के अंदर? नहीं, मेरा अंदर। हाँ, फिर वो उसके अच्छा से रह गया था। तो गोली किस किस के लगी है? मेरे लगी, मेरे बेटे के लगी। फिर उसके बाद उसके चारों तीनों भाई और आ गए जी, उनके हाथ में निकलते थे और फायर किए। फिर हमसे जो कुछ उनका मुकाबला कर सकते थे, ये पीट मारी हमने। फिर मोहल्ले के लोग आ गए, उन्होंने बचाया गया। पता नहीं सुबह के बाद घटना के बाद में फिर क्या हुआ? सुबह के बाद मैं अपने जो फादर को गोली लगी और भाई को लगी, उसके वहाँ मेडिकल से आ रहे थे। फिर से ये दोबारा लड़के इकट्ठे हुए 15-20। अब की बार सारे ये असले के साथ फुल लोड होके आए थे और उन्होंने बिना देखे स्ट्रेट फायर मारना शुरू कर दिए। अगर हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होते, हो सकता है कि हमारी मेरी वाइफ, हो सकता है मेरी माँ या किसी मेरी रिश्तेदार को गोली लग जाती ऑन द स्पॉट, डेथ हो जाती है हमारे किसी रिश्तेदार को हो जाती है। वो तो ईंटें पड़ी थी तो थोड़ा हमने अपना बचाव कर लिया। पुलिस का मुझे लगता नहीं है इतना उनके ऊपर दबाव है, वरना ये दोबारा अटैक नहीं करते, बल्कि तिबारा अटैक है इनका सुबह से अब तक हमारे ऊपर। अब तक क्या बार अटैक कर? तीसरी बार अटैक है। इस बार खतरनाक अटैक था। हमारा हॉस्पिटल भी इन्होंने तोड़ दिया और हमारे पास पूरा इन्होंने क्या नाम है दबाव बना रखा है। अपना खौफ बिठाना चाह रहे हैं मोहल्ले में, हर कोई यहाँ डरा हुआ है, सारे लोग यहाँ पर। और पुलिस की कार्रवाई समझ में अभी आ नहीं रही है कि वो क्या करना चाह रहे हैं आगे। कितने राउंड फायरिंग हुई है? 25-30 राउंड फायर तो मैंने शायद उससे ज़्यादा हुए होंगे, मतलब 25-30 तो नॉर्मल है जो उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे। लगी किसी के नहीं, इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र है कि लगी नहीं है, लेकिन हम लोग बच गए हैं। पहले जैसा कि सुबह बताया जा रहा कि एक आदमी आया, तो अब के सभी बहुत सारे दिखते थे, 15-20 लड़के थे, सारे डांटे लगा के आए थे, कुछ बिना डांटे के थे। और इनको पुलिस का भी खौफ नहीं है। कोई रिकॉर्डिंग हुई है अब तक? जी रिकॉर्डिंग हुई है हमारे पास, रिकॉर्डिंग। सर, एक डॉक्टर के ऊपर फायरिंग की गई है, क्या मामला है ये सारा? ये दिन में आज बाइक टकरा गई थी, उसको लेकर झगड़ा हुआ था, उसमें पत्थरबाजी हुई, फायरिंग भी हुई। उसके बाद दोनों मजरूह मेडिकल चले गए। उसके बाद जो अपराधी हैं अकरम टप्पा, इसके साथियों ने दोबारा से आकर फायरिंग की, दूसरी तरफ से पत्थर फेंके गए। दूसरी बार में कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। वीडियो के आधार पर इनकी पहचान की जा रही है और इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, ठोस कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अकरम टप्पा है? अब उसमें दूसरे में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पहले में है, साफ नज़र आ रहा है पहले में। और बाकी वीडियो वहाँ CCTV दिखाई जा रही है, लेकिन कारण मेन वही उसी से झगड़ा है, मेन वही अभियुक्त है। तो अकरम टप्पा ने दोबारा जाके फायरिंग की है, ये कह सकते हैं? अभी उसमें हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।